गंगा दशहरा के पर्व के उपलक्ष्य में जहां मां गंगा के पवित्र जल में स्नान करने का विशेष महत्व है, तो वहीं ब्रजमंडल में यमुना के कलकल बहते पतित पावन जल की डुबकी लगाना विशेष कल्याणकारी माना जाता है। इसी के चलते मंगलवार को संपन्न होने वाले गंगा दशहरा पर्व के स्नान के दृष्टिगत मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान के दृष्टिगत विशेष व्यवस्थाएं की गईं। इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा, महापौर विनोद अग्रवाल और हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी दलबल के साथ पहुंचे। स्ट्रीमर की सहायता से सभी अधिकारियों ने यमुना घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय पार्षद संतोष पाठक भी राजा घाट पर पहुंचे और महापौर विनोद अग्रवाल से स्वयं को निरीक्षण संबंधी जानकारी न दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा स्टीमर की सहायता से यमुना घाटों पर स्नान संबंधी की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेना और विश्राम घाट आदि आसपास के अन्य घाटों पर न पहुंचना स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। इस निरीक्षण के संबंध में मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया। यहाँ दोनों साइड में 6-6 गोताखोर हैं, दोनों साइड में प्याऊ हैं, कैंप की व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई भी असिस्टेंस के लिए कैंप हमारा मौजूद है। यमुना में पानी की उपलब्धता पर्याप्त करवाई गई है, सफाई पर्याप्त करवाई गई है और थोड़ी बहुत जो कमी आपको यहाँ अभी दिखाई देगी उसको भी ठीक करने के ख़त्म समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा गहरे पानी में न जाए। इसी प्रकार से उस साइड में भी जहाँ गहरा पानी है उसमें बैरिकेडिंग की जाएगी और सड़कों को ठीक कराया गया है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है, इसके अलावा गोताखोर की व्यवस्था जैसे मैंने पहले बताया उसके लिए की गई है और जो भी आवश्यकताएँ हैं पर्व को लेकर, वो अगर कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि ये और होनी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, व्यवस्थाओं को भी कराएंगे। देखिए, व्यवस्थाएं जो कि मेरे संज्ञान में हैं, मैं पिछले 2 दिन से नगर निगम की टीम के साथ में ही काम कर रहा हूं और जहां तक है वहां तक 100% तो कोई काम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी संतोषजनक है। इसके लिए कोई विरोध प्रतिरोध नहीं है, लेकिन केवल दुखद बात ये थी कि यहाँ पर मैं स्थानीय पार्षद हूँ, इस क्षेत्र की जनता के प्रति मेरा भी कोई दायित्व तो बनता है। इस क्षेत्र में जो आयोजन हो रहा है उसके लिए कम से कम मुझे सूचना तो दी जानी चाहिए। मैं केवल इसी बात से दुखित हूँ, बाकी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और मैं पिछले 2 दिन से पूरी नगर निगम की टीम को साथ में उनके खड़ा होकर के काम करा रहा हूँ। कम से कम अधिकारियों का भी और स्थानीय जो हमारे नवनियुक्त मेयर साहब हैं उनका भी दायित्व बनता है कि कम से कम स्थानीय पार्षद को किसी दल या किसी चीज़ से हटके उसके लिए भी बोलना चाहिए। नगर आयुक्त और महापौर ने स्थानीय लोगों के साथ में स्टीमर से घाटों का भ्रमण किया है, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मेरे अगर बस चलता तो मैं इनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करा देता, ऊपर से हवाई सर्वे हो जाता, लेकिन मेरा बस नहीं चला। लेकिन अभी मेरी मेयर साहब से बात हुई, उन्होंने काफ़ी संतोषजनक जवाब दिया, तो उसके लिए मैं जो है उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। उनकी जानकारी में नहीं थी कि मुझको सूचना नहीं मिली।